कल पूरा देश योग दिवस को मनाएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भव्य आयोजनों की तैयारियां कर रखी हैं। बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि योग कितना महत्वपूर्ण है आपके स्वास्थ्य के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय आयुष मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, दयाशंकर मिश्र। दयालु जी, सर किस तरीके की तैयारियां हैं योग दिवस को लेकर के? देखिए, इस देश की अपनी उस प्राचीन विधा योग को जिस तरह से हमारे देश के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में प्रतिस्थापित कराया, मान्यता दिलाया, आज संपूर्ण विश्व कल योग दिवस के रूप में कल योगा करेगा। देश की तैयारियां इस बार का योग जो है वो मानवता के लिए है, जिसका संदेश यही है कि योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग है। सारी दुनिया जब युद्ध की विभीषिका से जूझ रही है, कहा जा रहा है कि तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे खड़ा है संसार, तो ऐसे में भारत जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सत्य और अहिंसा के द्वारा इस दुनिया में शांति का संदेश देता है, तो योग के द्वारा कल हम सारी दुनिया को भारत ये संदेश देगा कि एक ऐसी विधा है जिसको करके सारा संसार स्वस्थ और निरोग रह सकता है। हमारे भारत की प्राचीन विधा है। देश में 25 करोड़ लोग कल इससे जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, तो कल निश्चित ही सबसे बड़ी भागीदारी भी होगी उत्तर प्रदेश की, वो 3.5 करोड़ लोग। चूँकि आज़ादी का ये 75वां वर्ष है, तो अमृत महोत्सव के रूप में हम सब इसको मना रहे हैं, तो कल 75,000 स्थान चयनित किए गए उत्तर प्रदेश में। गाँव का देश है, गाँव का उत्तर प्रदेश है, तो कल ग्रामवासियों को जोड़ने के लिए हमारी 58,000 ग्राम पंचायतें, 14,000 हमारे नगरीय वार्ड हैं और 3,000 हमारे ऐसे धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं जिनको इस विधा से जोड़ा गया है। तो कल उत्तर प्रदेश 75,000 स्थानों पर योग करेगा, जिसमें राजभवन से लेके, कहते हैं गांव से लेके राजभवन तक की यात्रा है। 3.5 करोड़ लोग कल उससे जुड़ेंगे। इसमें सर क्या उत्तर प्रदेश के जो बड़े नौकरशाह अधिकारी हैं और क्या विभाग के तमाम अधिकारी वो भी सर योग करेंगे? सर कल योग के लिए ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। आपसे कहा ना कि गांव का उस वो किसान भी कल करेगा, और राजभवन में कल हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कल सभी करेंगे योग। तो इस देश में कल कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश का वासी होगा, हिंदुस्तान का वासी होगा और योग करेगा। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आयुष मंत्री, जिनका कहना है कि कल पूरे उत्तर प्रदेश में भव्य तरीके से योग का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन बाबूलाल जी के साथ शिव प्रताप सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।